हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। और आज के वीडियो में देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करके कैसे डेटाबेस का नेम एप्लीकेशन का, और कौन से डेटाबेस यूज़ कर रही है, कौन कौन से टेबल नेम है, कॉलम नेम है, और सेंसिटिव डिटेल्स जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड निकालेंगे एप्लीकेशन से, और एक्सप्लॉयटेशन दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो होगा प्रैक्टिकल और आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो जिस वेबसाइट पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे वो वेबसाइट है ये एक लैब वेबसाइट है, testphp.vulnveb.com/artist.php। तो इसका ये जो वल्नरेबल पैरामीटर है, ये बता देता हूँ मैं कौन सा इसका वल्नरेबल पैरामीटर है, वो है ये आर्टिस्ट इक्वल्स टू वन। तो अब आप कहेंगे कि ये वल्नरेबल पैरामीटर है, कैसे पता चला? तो अगर मैं इसके आगे एक सिंगल कोट लगा देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक एरर थ्रो कर रहा है, राइट? एक तरीके से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ये, ठीक है? लोकेशन भी दिखा रहा है, देखो वार www.artist.php ऑनलाइन 62। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये वल्नरेबल पैरामीटर आपको मिल गया है जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहला स्टेप है कि आप कॉलम फाइंड आउट करें कि कितने कॉलम्स हैं एप्लीकेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय वन, तो ऑर्डर बाय वन, तो वन के बाद ये आपका कुछ इनपुट आ रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय टू, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे टाइप ना करना पड़े, ऑर्डर बाय टू। तो धीरे धीरे हम कॉलम बढ़ा रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ठीक है? ऑर्डर बाय थ्री, तो थ्री पे भी आ रहा है। अब करते हैं ऑर्डर बाय फोर, तो ये फोर पे एरर थ्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि एप्लीकेशन में तीन कॉलम हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कॉलम पता होने चाहिए आपको, कितने कॉलम हैं एप्लीकेशन में, ठीक है? तो जो अब नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, आपने एसक्यूएल क्वेरीज़ में आपने देखा होगा ये वाली कमांड, यूनियन सिलेक्ट कमांड। इससे क्या होता है कि यूनियन एक जॉइन ऑपरेशन एक तरीके से करने होता है, मतलब कंबाइन करने के लिए होता है। तो यूनियन सिलेक्ट 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 इसलिए क्योंकि तीन ही कॉलम है एप्लीकेशन के अंदर, ओके? तो इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो इसके बाद फिर कुछ इनपुट आ गया और कुछ आउटपुट आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो वन आ रहा है इसके चक्कर में ये आउटपुट ऐसा आ रहा है, मैं कुछ इसमें ऐसा क्वेरी करना की कोशिश करूँगा, ऐसे क्वेरी डालने की कोशिश करूँगा, यूआरएल में कुछ चेंज करने की कोशिश करूँगा जिससे ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए दैट मीन्स जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ना आए। तो मैं इसमें एक सिंगल कोड डाल के देखता हूँ। अब सिंगल कोड डाल रहा हूँ तो ये वही एरर थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन, दैट मीन्स ये भी हमारा काम नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ पे वन की जगह कुछ ऐसा टाइप करना पड़ेगा जो एक्सपेक्टेड इनपुट ना हो, एक्सपेक्टेड इनपुट जैसे मतलब 1, 2, 3, 4, ये तो एक्सपेक्टेड इनपुट्स हो गए। मैं इसमें डाल के देखता हूँ -1, ठीक है? मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा टाइप ना करना पड़े। लीजिए, अब मैंने इसको दिया था यूनियन सिलेक्ट, -1 देने के बाद यूनियन सिलेक्ट 1, 2, 3, और यहाँ पर शो हो रहा है 2 और 3, तो 1 गायब है। दैट मीन्स ये कौन कौन से कॉलम आपके उसका आउटपुट शो कर रहा है, इसका और इसका, हाँ जी। तो सेकंड अगर ये शो हो रहा है तो इसको पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड पे डालता हूँ यहाँ पे एथिकल, और इस पे भी मैं कुछ डालने की कोशिश करता हूँ, शर्मा जी, ठीक है? आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं इसमें। तो अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें भी, एक बार वन में भी डाल के देख लेते हैं, वैसे मुझे पता है नहीं हो रहा, वन की जगह मैं डाल देता हूँ 2 या कुछ भी डाल देता हूँ, एस डाल देता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये एथिकल रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे शर्मा जी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट एस नहीं हो रहा, दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड कॉलम ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से कॉलम ये रिफ्लेक्ट कर रहा है,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है, राइट। तो मैंने कमांड यहाँ पे पहले से ही कर रखी है, तो इसको मैं यहाँ पे करूँगा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटाबेस, ये एक डेटाबेस फंक्शन, एक काइंड फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है कि कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगता है गलत कॉपी कर दिया। अच्छा, -1 नहीं है, -1 कर देते हैं इसको। ये आ गया डेटाबेस का नेम। तो आपको पता चल गया होगा कि अब डेटाबेस कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक्यूएट डेटाबेस का नेम है, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना है कि वर्जन और करंट यूज़र कौन सा है, अब जितना भी हम इस एप्लीकेशन के साथ खेलेंगे या एक तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम में हम चेंजेस करते रहेंगे, क्योंकि वही हमें रिट्रीव कर रहा है वैल्यूज़, ठीक है। वही हमें वैल्यूज़ बता रहा है कि क्या क्या एप्लीकेशन में है। तो वर्जन क्या है और करंट यूज़र क्या है, उसकी ये यूआरएल होगी। तो ये देखिए, वर्जन इसने दिखा दिया, उबंटू का कोई वर्जन है 0.10.04.1, और जो यूज़र है वो है acquired@localhost, ठीक है। तो अब इसमें से और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं, अब आएगा मज़ा। तो ये जो कमांड होती है जो मैंने अभी पेस्ट करी है एक तरीके से, तो देखिए बाकी सब सेम ही रहा, आर्टिस्ट इक्वल्स टू -1, यूनियन सिलेक्ट 1। अब 2 की जगह मैंने क्या लिखा है, टेबल अंडरस्कोर नेम, यानी कि भाई मेरे को टेबल नेम रिटर्न करो, -3। 3 तो मैंने सेम ही रहने दिया, क्योंकि सेकंड में मैं चाहता हूँ सारी वैल्यूज़ आए यहाँ पे, इस आर्टिस्ट की जगह यहाँ पे पूरी आए। फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डॉट टेबल्स यानी कि उसमें जो सारी टेबल्स हैं वो ये रिटर्न करे और उनके टेबल के नाम रिटर्न करें, ठीक है। वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू डेटाबेस, और ये फंक्शन है, तो यानी कि डेटाबेस का फंक्शन यहाँ पे वो रिट्रीव कर देगा जो हमें एक्वेट पहले मिला था। तो एक्वेट वैल्यू इक्वल्स टू में यहाँ पे एक तरीके से आ जाएगी जब क्वेरी रन होगी, और लिमिट 0.01, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा, तो इसने दिखा दिया आर्टिस्ट, दैट मीन्स पहली टेबल, इसका पहली टेबल का क्या नाम है, वो है आर्टिस्ट। ऐसे ही मैं इसको आइट्रेट कर सकता हूँ ऐसे चला के, लिमिट मैंने चेंज कर दी 1.1। अब आ गया कार्ड्स, ऐसे ही मैं और इसको चेंज करके कर सकता हूँ, 3.1 कर सकता हूँ, ठीक है। फीचर्ड, ऐसे सारी टेबल के नाम मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन एक एक करके निकालने में थोड़ी अगर आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है ये वाली क्वेरी चलाना जो मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप कॉनकैट का हम यूज़ करेंगे। ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट क्या करता है कि सारे टेबल नेम को कॉनकैट करके मेरे को ये शो करके दिखा देगा। तो ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट टेबल अंडरस्कोर नेम 3 फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू डेटाबेस, यानी कि वो डेटाबेस का नाम यहाँ से वो अपने आप पिक कर लेगा, ये क्वेरी रन करेगा डेटाबेस फंक्शन। तो डेटाबेस का फंक्शन यानी कि एक्यूएट नाम यहाँ पे अपने आप पिक करेगा, टेबल का स्कीमा वो हो जाएगा, और उसमें से हमें सारे टेबल के नेम कॉनकैट करके दे देगा, कहाँ पे, सेकंड कॉलम की जगह पे, यानी कि यहाँ पे आर्टिस्ट जहाँ पे फीचर लिखा है। तो जी करते हैं रन। जैसे ही मैंने करा, इसने सारे टेबल के नाम दे दिए, आर्टिस्ट, कार्ड। तो यूज़र्स टेबल्स में हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उसको अब हमें रिट्रीव करना है। तो उसको कैसे रिट्रीव करेंगे अभी बता देते हैं। देखिए ये मैंने कुछ टाइम बचाने के लिए पहले से रन करी हुई है, लेकिन बहुत आसान है। देखो सेकंड की जगह, फिर दोबारा सेकंड कॉलम की जगह हमने क्या करा है, सिलेक्ट 2 की जगह यहाँ पे हमने करा है ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट अंडर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम आएगा। अब क्योंकि हमें कॉलम नेम रिट्रीव करने हैं, और कौन सी टेबल के करने हैं, यूज़र्स टेबल के, तो यूजर्स टेबल के हम कॉलम रिट्रीव कर रहे हैं, और किसके थ्रू, ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट के थ्रू। दैट मीन्स सारे कॉलम के नाम ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा जहाँ पे आर्टिस्ट, कार्ड्स ये सारा आ रहा है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, देखिए ये इसने कॉलम रिटर्न कर दिए, यू नेम, पासवर्ड,
पासवर्ड जो कि है सीसी यानी कि क्रेडिट कार्ड नंबर होगा शायद, एड्रेस, ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर और कार्ड। तो अब हमारा सिर्फ ये रह गया है कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैं इसके रिट्रीव कर दूं अगर, तो हमारे बहुत मज़े हो जाएंगे। तो ठीक है, वो कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो वो इस कमांड से होंगे, यूनियन सिलेक्ट वन अगेन, सेकंड कॉलम की जगह इस बार हम क्या करेंगे, ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट यूज़र नेम यानी कि यू नेम जो कि उसमें कॉलम था, कॉमा थ्री, फ्रॉम यूज़र्स। फ्रॉम यूज़र्स क्यों, क्योंकि अब हमें टेबल का नाम पता है कि हमें कौन सी टेबल का है, तो फ्रॉम यूज़र्स। तो जैसे ही हम करेंगे तो ये सारे यूज़र नेम आपके दिखा देगा, क्योंकि एक ही यूज़र है टेस्ट इस एप्लीकेशन में अभी, इसीलिए टेस्ट उसने यूज़र नेम शो कर दिया। पर अगर मुझे चाहिए कि इस यूज़र नेम का या सारे यूज़र नेम का पासवर्ड मुझे मिल जाए, तो मैं कॉलम नेम में यहाँ पे लिखूँगा पास, क्योंकि वो पास कॉलम नेम है, एग्जिस्ट करता है यूज़र्स में। लो जी, तो टेस्ट यूज़र नेम का टेस्ट ही पासवर्ड है, और हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है कि कैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल सकते हैं किसी एप्लीकेशन का बाय एक्सप्लॉइटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। इसको अगर आपको ये देखना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड साथ साथ आ जाएं, तो ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट में हम क्या लिखेंगे, यूज़र नेम कॉलम यानी कि यू नेम, और ये मैंने एक उसको स्ट्रिंग में लिख दिया है ताकि यूज़र नेम के बाद ये डबल कोलन आ जाए और पासवर्ड उसका आ जाए। तो एक ही यूज़र है इसीलिए टेस्ट यूज़र ने और पासवर्ड भी टेस्ट है, तो ये यहाँ पर शो कर देगा। देखो, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आया है या नहीं, और जो भी डाउट्स हो प्लीज़ आप उसको कमेंट करें, मैं मेक श्योर करूँगा कि वो आपके डाउट्स क्लियर हों। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।